Good morning, dear students. Welcome back. Today we are going to discuss about our topic relation between HCF and LCM of two numbers. यानी आज आपका जो टॉपिक है उसका नेम है रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर. यानी कि आज के टॉपिक में आपके बीच डिस्कस करूंगा मैं HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स. यानी कि इन दोनों में रिलेशन क्या है ऑफ टू नंबर्स में. ओके ठीक है, टॉपिक आपका है LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर. यानी कि इन दोनों का इसमें क्या रिलेशन है, क्या संबंध है. समझ में आया सभी को? ठीक है, तो अब आप लोग यहां ये देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM. ओके, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF ऑफ देयर LCM एंड HCF. ओके, HCF एंड LCM भी बोल सकते हैं, LCM एंड HCF भी बोल सकते हैं. ओके, आपकी मर्जी. इतना समझ में आ रहा सभी लोग को? वेरी गुड. अब देखिए, हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब हो गया दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन. तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर्स इंटू सेकेंड नंबर. समझ में? और यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू अदर नंबर. आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ पे चाहे सेकेंड नंबर लिखिए चाहे अदर नंबर, एस जो भी. ओके, एक प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM. प्रोडक्ट बोला गया, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी दो नंबर को आपस में मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, LCF इंटू LCM. आप सभी को इतना समझ में आया? वेरी गुड. ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम जो यहाँ पे लिखे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू HCF इंटू LCM. अब ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिखते, HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ऐसे भी लिख सकते. तो अपनी सुविधा के लिए हम ये करते हैं, HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर. ओके, ऐसे हमने लिख लिया. ठीक है, या हमने नंबर लिखा है बेटा, ध्यान दीजिएगा. ओके, आप इस फॉर्म में भी ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है. ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिए, जैसे आपको ऐसे क्वेश्चनों में क्या होगा, आपको HCF दे देगा, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर भी दे देगा. ठीक है, तो आपसे बोलेगा LCM की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए. तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे LCM निकालना है तो LCM इस साइड जाने दीजिए, इक्वल टू लिख दीजिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर. इधर HCF मल्टीप्लिकेशन में इक्वल के एंड अदर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपॉन यानी डिवाइड में जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे HCF ऐसे लिख दीजिए. अब आप क्या करिए, फर्स्ट नंबर की जो वैल्यू दी जाए, सेकेंड नंबर की जो वैल्यू दी जाए, जो HCF की दी जाए, इन सब की वैल्यू यहां रख दीजिए और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और HCF से कैंसिल कर दीजिए, या फिर HCF से फर्स्ट नंबर का कैंसिल हो रहा तो दोनों कैंसिल कर लीजिए, या फिर सेकेंड हो रहा कैंसिल तो सेकेंड को कर लीजिए. दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे, जो भी कैलकुलेशन होगा वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, फिर उसके बाद LCM की वैल्यू आ जाएगी, आप निकाल लीजिएगा. आप सभी को इतना समझ में आया? वेरी गुड. ठीक है, अब इससे बगैर आपको ऐसे भी दे सकता है, LCM की वैल्यू दे देगा, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर दे देगा, तो आपसे बोलेगा HCF की वैल्यू फाइंड आउट करो. तब उस कंडीशन में आप क्या करिएगा, तब आप ऐसे लिखे HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन LCM. क्यों? क्योंकि यहां पे बेटा देखो,
ये जो दूसरी कंडीशन बता रहा हूँ यहाँ पे आपको एलसीएम की वैल्यू दी जाएगी, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर की वैल्यू दी गई, बट आपको एचसीएफ नहीं दिया। एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आप एचसीएफ को रोक लीजिए, एलसीएम को अनदर साइड भेज दीजिए। तो वही हमने यहाँ पे किया, देखिए यहाँ पे हुई एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन एलसीएम। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू रख लेंगे, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर एंड एलसीएम की, और सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। ठीक बेटा, तो आप लोग इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इतने को समझ में आया सभी को, आप इतना भी नोट डाउन कर लीजिए और इसको भी एक पॉइंट में नोट डाउन कर लीजिए। ये भी आपको एक पॉइंट मिल गया, ये भी एक पॉइंट मिल गया आपको। ठीक है, और एक पॉइंट आपको ये दिया गया ऑलरेडी, इतना समझ में आया, वेरी गुड। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इससे से रिलेटेड, ओके, प्रोडक्ट के बारे में, या फिर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में कोई एक दिया जाए। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। ओके, ठीक बेटा, अब देखिए यहाँ पे आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आपको बता दिया, एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है। अब वैसे आपको हम एक चीज और बताने जा रहे हैं, जैसे सपोज कीजिए आपको एचसीएफ एलसीएम की वैल्यू दी जाए, फर्स्ट नंबर की वैल्यू ना दी जाए और सेकंड नंबर की दी, तब आपको बोला जाए फर्स्ट नंबर निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, तो आप इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर को इधर रहने दीजिए, सेकंड नंबर को आप इधर भेज दीजिए, ऐसे लिख सकते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम, सेकंड नंबर को इधर भेज दिए अपॉन सेकंड नंबर इक्वल टू फर्स्ट नंबर। ओके, आप इसको अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, डायरेक्शन बदलना चाहते हैं, राइट साइड को लेफ्ट साइड को राइट साइड लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम अपॉन सेकंड नंबर। ठीक, एक पॉइंट आपके लिए तैयार हो गया, ध्यान दीजिए आप लोग, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए ब्लैक पेन से। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये बन गया। अब इसी तरीके आपको दिया जा सकता है, फर्स्ट नंबर दिया जाएगा, एलसीएम एचसीएफ की वैल्यू दी जाएगी, बट सेकंड नंबर नहीं दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को अपॉन में भेज दीजिए, सेकंड नंबर को उधर ही रहने दीजिए। ठीक है, चलिए वो भी मैं राइट डाउन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए बेटा, तो हम यहाँ पे सेकंड नंबर का भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहीं पे कन्वर्ट करना चाहते हैं लेफ्ट साइड राइट साइड को, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एचसीएफ इनटू एलसीएम, सेकंड नंबर निकालना है तो फर्स्ट नंबर को अपॉन में भेज दीजिए, फर्स्ट नंबर इक्वल टू यहां सेकंड नंबर आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन फर्स्ट नंबर, तो आपका एक पॉइंट ये भी तैयार हो गया बेटा, सेकेंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन फर्स्ट नंबर। आप इन सबके फॉर्म्स, यानी कि जो तरीका है, आप इनको परिवर्तित कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन इन सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट आपको खाली यही पॉइंट है बेटा, ये वाला पॉइंट, आपको ये पॉइंट आता है या फिर ये पॉइंट मालूम है या फिर ये पॉइंट मालूम है। ठीक है, मेन मान के चलिए आपको ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट आपको आता है, तो आप जो फॉर्म कन्वर्ट कर रहे हैं इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन हमने आपको इसलिए बता दिया, आपको बुक्स में दी जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सर उसमें ऐसा दिया गया है, आपने ऐसा किया, इसलिए हमने आपको बताया है। ठीक है, तो आप खाली ये पॉइंट क्लियर करते चलिए, और उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ऐसा सपोज कीजिए, आप खाली आपको ये पॉइंट आता है, अब इसमें आपको कोई भी एक चीज पूछेगा जरूर, भाई जो चीज नहीं पूछेगा उसको ना लिखना और बाकी की वैल्यू रख देना, डिवाइड मल्टीपल में तो उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कट पिट जाएगा, जो भी आंसर आएगा वो आपका एक आंसर होगा।
तो आपके लिए बेसिकली ज्यादा कंफ्यूजन नहीं पालने का, खाली आप इतना मतलब रिमेम्बर रखिए HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, इतना तो आप लर्न रखिए, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज और लर्न करिए, लर्न ये रखिए आप फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर को हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इतना सब कर देता हूँ, फिर लिखता हूं। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्वेश्चन में इतना याद रखिएगा। कई बार आपको ऐसे भी दिया जा सकता है HCF इंटू LCM, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट देगा और आपसे बोलेगा LCM और HCF की वैल्यू देगी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर के प्लेस पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स राइट डाउन कर दीजिएगा, बस जैसे आप सॉल्व कर देते वैसे सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया गया, ठीक, अब कई बार ऐसा होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स नहीं दिया जाएगा, आपको ऐसा दिया जा सकता है फर्स्ट नंबर दे दिया या सेकंड नंबर दे दिया, सेकंड नंबर दे दिया तो फर्स्ट नंबर पूछेगा, फर्स्ट नंबर दे दिया सेकंड नंबर पूछेगा, ठीक है, या फिर फर्स्ट सेकंड दोनों देगा तो LCM और LCM में किसी एक को पूछेगा। समझ में आ रहा है आप लोग को, वेरी गुड। अब इससे रिलेटेड हम जब आपको क्वेश्चन कराएंगे ना, जो भी आपका थोड़ा बहुत डाउट है वो 100% क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग अब ध्यान दें, इतना आपने नोट कर लिया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ओके, ठीक। चलिए बेटा ध्यान देते हैं सम क्वेश्चन पे, ठीक है, यानी कुछ क्वेश्चन मैं आप सबको कराने जा रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, दी HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 52 एंड 624 रिस्पेक्टिवली, वन नंबर इज 156, फाइंड दी अदर नंबर। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, आपको HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर, यानी कि दो नंबरों का LCM और HCF क्या दिया गया, 52 एंड 624, ओके, HCF आपका हो गया 52 एंड LCM हो गया आपका 624। आप सभी को इतना समझ में आया, वेरी गुड। ध्यान दीजिए, अब बोला क्या है, वन नंबर इतना, यानी वन नंबर आपको दिया गया इतना, और सेकेंड नंबर आपको फाइंड आउट करना है, यानी कि सेकेंड नंबर यानी कि अदर नंबर आपको निकालना है, ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग, ओके, ठीक बेटा। तो आप यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, वी नो डैट, यानी जैसा आप जानते हैं, ठीक है, मतलब वी नो डैट का मतलब हो गया हम जानते हैं, ठीक है। तो आप यहां पे आप ऐसा लिख दीजिए, खाली एक फॉर्मूला लिखना है आपको, यहां पे वही वाला फॉर्मूला लिखना है, HCF इंटू LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है, या फिर सेकेंड नंबर के प्लेस पे आप ऐसे भी लिख सकते थे, यहां पे आप वन नंबर इंटू अदर नंबर, ठीक, आप ये भी लिख सकते हैं, एस यू विश, आपको जो अच्छा लगे आप वो लिखिए, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा, HCF कितना दिया गया था आपको, HCF दिया गया है 52, LCM आपको 624 दिया गया, तो HCF के प्लेस पे आपने 52 इंटू LCM के प्लेस पे 624 को राइट डाउन कर दीजिए। फर्स्ट नंबर के प्लेस पे आप क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट जो वन नंबर आपको दिया गया है, यानी कि 156 दिया गया, वन ये राइट डाउन कर दीजिए, 156 इंटू सेकेंड नंबर आपको नहीं दिया गया, यही तो आपको फाइंड करना है, तो आप ऐसा लिख दीजिए सेकेंड नंबर, ओके, इतना आपको समझ में आया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकेंड नंबर नहीं दिया गया, सेकेंड नंबर को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, और इसको आप अपॉन में लेंगे, या फिर आप यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, इतने राइट साइड को लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड को राइट साइड लिख दीजिए अपनी सुविधा के लिए। तो आप ऐसा लिख दीजिए 156 इंटू सेकेंड नंबर
इक्वल टू 52 इंटू 624। आप ऐसे लिख लीजिए। अब यहाँ पे आप ऐसा लिख दीजिए, सेकेंड नंबर इक्वल टू 52 इंटू 624। अब ये जो मल्टीपल में इधर आ गया, डिवाइड में आ गया, ठीक है, आप इतना लिख लीजिए। अब देखिए दोनों को कैंसिल करना है, कैसे कैंसिल कर, देखिए ये दोनों को किसी एक से कैंसिल होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ध्यान दीजिए कि ये दोनों किसी एक से कैंसिल, बड़ी से बड़ी डिजिट कैंसिल करने की कोशिश किया करिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे 2 से तो हो ही रहा है दोनों, लेकिन हम 4 से कैंसिल करते हैं, ठीक है। 4 थ्रीजा कितना होता बेटा, 4 थ्रीजा 12, 3 आ गया, यहाँ पे 3 बचा, 6 उतार लिया, तो 4 9 जाए 36, तो यहाँ 39 आ गया, ओके। अब इसको हमने कैंसिल किया, 4 बन जाए 4, 2 बचा, तो 2 को उतार लिया, 5 टाइम जाएंगे, 4 5 जाए 20, ओके। तो यहाँ पे 5 राइट डाउन करते, फिर 6 टाइम हो जाए। इतना सभी को समझ में आया बेटा। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए ये दोनों 3 से कैंसिल, देखिए 3 बन जाए 3, 3 3 जाए 9, और 3 से 3 4 जाए, सॉरी 3 5 जाए 15, और 3 2 जाए 6, यहाँ 52 आ गए। अब देखिए ये दोनों फिर कैंसिल हो रहे हैं, किससे वो कैंसिल हो, 13 से, 13 बन जाए 13, इतना समझ में आ गया। 13 4 जाए कितना होता 52, यहाँ 4 आ गया। अब क्या करेंगे, इस 4 का और ये 52 जो दिया गया, इन दोनों का बीच में क्या रिलेशन, मल्टीपल का, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपने 4 2 या 8, 4 5 या 20, तो आपका सेकेंड नंबर कितना आ गया बेटा, सेकेंड नंबर आपका आ गया 208। तो आपका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, अदर नंबर, सेकेंड नंबर के प्लेस पे आप आंसर में ऐसे लिख दीजिए, अदर नंबर इक्वल टू 208, दिस इज योर आंसर। मन हो तो यहाँ पे ANSWER आंसर भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया, वेरी गुड। देखिए बेटा यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन है कि इस तरीके भी दिया जा सकता है, गिवन द एचसीएफ ऑफ 64 एंड 104 इक्वल टू 8, फाइंड द एलसीएम। यहाँ पे आपको दिया गया है एचसीएफ ऑफ, यानी कि एचसीएफ दिया गया है किस किस का, 64 एंड 104 का, कितना दिया गया है 8 दिया गया है, और आपसे एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए बोला है, यानी कि फाइंड द एलसीएम। तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, गिव द एचसीएफ ऑफ 64, 104 इक्वल टू 8, ओके। तो अब यहाँ पे आप ये भी लिखना हो लिख दीजिए, आपका मन, वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ, सॉरी एलसीएम, ओके। तो आप वही फॉर्मूला लिख दीजिए, कौन सा, जो अभी आपको आपको बताया गया है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, ठीक है, टू नंबर्स दिए गए, तो यहां पे आप ऐसे भी लिखिए, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इतना है। तो आपको क्या निकालना था, एचसीएफ दिया गया, एलसीएम निकालना, तो आप ऐसे लिख दीजिए, एलसीएम निकालना, एलसीएम को आप ऐसे लिख दीजिए, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन एचसीएफ। चाहे आप इस फॉर्म में लिख के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, चाहे इस फॉर्म में कन्वर्ट करके कीजिए, एस योर विश, ओके। तो आप यहाँ पे आप क्या कहेंगे, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम को आप ऐसे लिख दीजिए, और फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर की वैल्यू यहाँ राइट डाउन कर दीजिए। फर्स्ट नंबर दिया गया 64, सेकेंड नंबर दिया गया 104, एलसीएफ आपको दिया गया है 8, ठीक है। अब देखिए दोनों को सॉल्व करते हैं, देखिए 8 से 64 को कैंसिल कर दे, 81 जाए 8, 88 जाए 64। अब 8 का 64 से 104 से मल्टीपल, 8 का 104 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप एलसीएम इक्वल टू लिख देंगे, 8 4 जाए 32, ठीक है, 8 0 0 3 ऐड हो गया कैरी का, ठीक है, 3 लिख दे, 8 1 जाए, आपका एलसीएम आ गया 832, दिस इज योर आंसर। उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक बेटा, अब ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए यहां क्या बोला जा रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 68,600 एंड देयर एलसीएम इज 980। फाइंड द देयर एचसीएफ, यानी कि फाइंड देयर एचसीएफ। यहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना है और यहाँ पे आपको क्या दिया गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपको दिया गया, एलसीएम दिया गया और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो अब आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अब आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। समझ में आ रहा सभी को, आप यहाँ पे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर वाला फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। इतना आप सभी को समझ में आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया गया है और आपसे एलसीएम पूछा गया, तो अब आप यहाँ पे आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, चाहे अब आप इसका फॉर्म चाहे कन्वर्ट कर लीजिए, क्यों, क्योंकि आपको एचसीएफ निकालना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट टू नंबर्स। ओके, अपॉन एलसीएम। इतना सभी को समझ में आ रहा है, वेरी गुड। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे सबकी वैल्यू लिख दीजिए, एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऐसे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया गया है आप राइट डाउन कर दीजिए, एलसीएम आपको दिया गया है इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व कर सकते, लास्ट में जीरो है दोनों पास, नोमिनेटर अपॉन डोमिनेटर में, तो जीरो जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, अब 98 से, ठीक है, 6,086 यानी जो बचे उसे एक बार नीचे आप क्या डाउन डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपको क्लियर दिखाई दे रहा, आपने इतना लिख दीजिए। ठीक है, जब आप इतना लिख लेंगे, इतना लिख लिया, तो अब आप डिवाइड करिए। ओके बेटा, ठीक बेटा, अब आप इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, डिवाइड करना है, डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए। देखिए 7 टाइम्स चेक करते हैं, 7 का मल्टीप्लाई से के 7, ठीक है, 8 या 56 कैरी 5, 7 9 या 63, 5 5 क्या 68। ठीक है, देखिए ये तीनों कैंसिल हो गए, सब्ट्रैक्ट हो गए, ये जीरो बचा है यहाँ, तो जीरो को याद आई डाउन कर, तो आपका एचसीएफ कितना हो गया बेटा, एचसीएफ आपका 70 आ गया। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो एचसीएफ आपने निकाल लिया। अब इसी तरीके आपको एक क्वेश्चन और समझ लीजिए। ठीक है, इस एक्सरसाइज को हम फिर खत्म करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको कराने की कोशिश में हूं। ओके, ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए बेटे, हमने एक क्वेश्चन और दिया है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स फाइंड आउट करना है, एचसीएफ दिया गया, एलसीएम दिया गया। ये क्वेश्चन बुक में नहीं, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्मूला मार प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो आप यहाँ पे इतना लिख दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए, चाहे ऐसे लिख दीजिए, लिखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, चलिए ध्यान दीजिए अब आप लोग। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालना था, इसलिए आपने ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू एचसीएफ कितना दिया गया, 12 दिया गया, एलसीएम 240 दिया गया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होगा, दोनों का क्या कर दीजिए, आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ ऐसे लिख दिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू, ठीक है, 12 का 0, 12 4 या 48 का 8 कैरी 40, कितना गई कैरी, 40 गई है बेटा कि 4 गई है, बेटा 4 गई है, 40 नहीं जाएगा, कैरी 4, 12 2 जा
12 टू गया कितना होता बेटा 24, 24 में 4 ऐड किया कितना हो गया, कितना हुआ 28, वेरी गुड। ठीक है, तो आपका आंसर इतना आ गया बेटा फॉर डेट ऑफ टू नंबर्स दिस, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दिया गया था, तो इन दोनों का खाली आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना था और दोनों का आपने मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लिया। ओके, दिस इज योर आंसर। देखिए बेटा, आप लोग को रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स टॉपिक से हमने कई प्रकार के क्वेश्चंस आपको समझा दिया है। हमें नहीं लगता किसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको बताने की जरूरत है। अगर आपको इससे भी मतलब जो मैंने तरीके बताए हैं, यानी जिस प्रकार के मैंने क्वेश्चन आप सबको कराए, अगर कोई नया क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो आप हमें कमेंट करिए, ठीक है, मैं आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो बना के भेजूंगा। और कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट हमसे पूछिए जरूर, अगर आप पूछेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और अगर हमारे द्वारा आप बनाए गए वीडियो, ठीक है, हमारे द्वारा जो वीडियो बनाया गया है ये आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल पे जाके उसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन वाला बेल वाला ऑप्शन जरूर क्लिक कीजिए। क्यों? क्योंकि जब भी मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिससे आपको मालूम हो जाएगा आज कौन से टॉपिक का वीडियो बना है और आप देख सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। और ठीक है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो आप जरूर हमसे पूछें, ठीक है। धन्यवाद वॉचिंग दी वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।